नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीवीएम न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आर्थिक संकट से जूझ रही जनता के प्रदर्शन को कुचलने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने आपातकालीन की घोषणा की। यूनेस्को का दावा, रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचा नुकसान। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कटरा वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने आज दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। कोयंबटूर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने कोचिंग सेंटर में की आत्महत्या। भारत ने श्रीलंका को खाद्य सहायता के रूप में चावल की शुरू की आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर ने संयुक्त रूप से नेपाल में रूपे लॉन्च किया। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर सुसाइड मामले में डीएसपी शंकर लाल मीणा सस्पेंड। थप्पड़ कांड के बाद एक्टर विल स्मिथ ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से दिया इस्तीफा। सूबे सिंह ने कहा कि फिशिंग ईमेल के जरिए साइबर अपराधियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बनाया जा रहा है निशाना। महिला थाना एनआईटी की टीम ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मंत्री विपुल गोयल ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में अपने कार्यालय पर किया नए साल के कैलेंडर का विमोचन। पीएम के वोकल फॉर लोकल के नारे को आगे बढ़ा रहा है नेशनल जूट बोर्ड वस्त्र मंत्रालय। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज एनसीआर और बीवीएम न्यूज।